जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हम बोले थे कि क्लास दरअसल रेगुलर चलेगा, लेकिन किसी कारण बस थोड़ा सा एक दिन नहीं चला क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा तो टाइम नहीं मिल पाया। और ये जो देख रहे हैं इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दो क्वेश्चन बच चुका था एक्सरसाइज 12.3 में, हम 14 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे, 15 और 16 बचा हुआ था। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात नो बकवास डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि 3x + 2y > 6। पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पिछले आप 14 क्वेश्चन जब बना रहे होंगे पीछे वाला, तो आप देखे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले हम समीकरण को, समीकरण बोल दिए, असमीकरण या असमीका जो भी बोलो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो, यही बदल दो, ऐसे लिखो 3x + 2y - 6 > 0। इससे ये समझ में आएगा कि ये जो भी है 3x + 2y - 6 जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा है इसका ये मतलब है कि हम राइट साइड शैडो करेंगे, जीरो से बड़ा इसलिए। और एक बात और बताते हैं कि ये सब बनाते हुए एक बात ध्यान रखना कि x के आगे प्लस के चिन्ह हो, ठीक है। अब आप इसको इसके संगत समीकरण के रूप में लिखो, संगत समीकरण 3x + 2y = 6। दो को वैल्यू फाइंड करो, दो वैल्यू क्या क्या, जैसे एक बार x = 0, तो अगर x = 0 रख दिए मतलब ये पूरा पूरा जीरो, तो अगर ये पूरा जीरो हो गया तो दूसरे ही कट जाएगा और y = 3। लेकिन अगर y = 0 तो 3 से कट जाएगा और x = 2, मतलब 2 और 3 तो काफ़ी है। और माइनस वाला पॉइंट चाहिए भी नहीं, तो हम माइनस वाला एक्सिस लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि 2 और 3 हाईएस्ट है 3। तो 0, 1, 2, 3, 4 बहुत लिखा गया, फिर 2 चाहिए तो 1, मतलब ऐसे तो y एक्सिस पे चाहिए 3, 2, 3, 4, हम तो इधर 5 तक लिख दिए y एक्सिस। अब x है ही नहीं, सिर्फ y एक्सिस पे 3 है, तो यही पॉइंट हो जाएगा जहाँ बोलेंगे x 0 और y 3। अगले नंबर में सिर्फ x है 2, तो ये वाला हो जाएगा x नियामक 2 यहाँ पर और y नियामक 3। अब इन दोनों को मिला देना, और भी कंप्लीट लाइन से मिलाना नहीं है आपको, डॉटेड लाइन से मिलाना, डॉट इसलिए डॉट और डॉट डॉट क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। बाकी जो भी लिखे हैं किसके मदद से हम लाइन ड्रॉ किए, तो 3x + 2y = 6 इसके मदद से ड्रॉ किए, इसीलिए। अब रही बात कि किसका लेफ्ट पोर्शन और किसका राइट पोर्शन, मतलब इसका लेफ्ट या राइट, तो देखो ये वाला वैल्यू साफ समझ में आता है देखकर, ये यहीं से देखो भाई, तो जीरो से बड़ा है, मतलब अपने आप को नीचे रखना है, ये सोचना है कि हम नीचे खड़ा हैं और ऊपर की तरफ नज़र करेंगे, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा राइट, और हमको तो राइट साइड में ही शैडो करना है, तो राइट साइड में इस तरह से शैडो पोर्शन दिखा दिए। और इस शैडो पोर्शन के लिए अगर आप आंसर लिखना चाहते तो बोलोगे 3x + 2y > 6। एक क्वेश्चन हो गया, एक और बच रहा है उसको भी देख लेते हैं, 16 नंबर।
16 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16, है जीरो से बड़ा या बराबर 2x माइनस 5y प्लस 10। चलो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जो भी असमिका होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, मतलब सही है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ही हम, ठीक है, इसके संगत समीकरण में कन्वर्ट कर देंगे। और संगत समीकरण मतलब जानते हैं कि इक्वल टू जीरो। एक मिनट प्लस टाइम दीजिए। हाँ यहाँ कहाँ थे हम, 2x माइनस 5y प्लस 10 कह रहे थे कि आप ये जो भी देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, आप इसको इसी के संगत समीकरण में लिखें। तो हम लिखते हैं इसका संगत समीकरण, और इसका संगत समीकरण अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, लिख दिए 2x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे कि 2x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसके लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 2x माइनस 5y बराबर माइनस 10, ये सही रहेगा। और दो को डब्बा बना दिए ऐसे, x और y। अब यहाँ ये सोचना है कि अगर हम x के जगह पे 0 रख दें, सपोज दैट x के जगह पे 0 रख दें, यहाँ 0 रख दें, अगर हम 0 रख देते हैं, x के जगह पे 0 रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रख देते हैं, अगर 0 रख देते हैं, 0 अगर रख दिए तो 5 से कटेगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा और y बराबर हो जाएगा 2। अगर y बराबर 0 रख दिए तो इस जगह पे 0, अगर हम यही 0 रख दिए तो, अगर इसी जगह पे हम 0 रख दिए तो फिर x कटेगा और आ जाएगा माइनस 5। अब यहाँ से पता चल रहा है माइनस भी और प्लस भी, तो चलो भाई x पर माइनस, तो माइनस से सही। y नीचे उतना नहीं लिख रहे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट माइनस 5 है, माइनस लिख देंगे यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 x हो गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 और 6, इधर हो गया माइनस 1, इधर हो गया माइनस 2, इधर माइनस 3, इधर माइनस 4। अब x के जगह पे 0 और y के जगह पे 2, तो x तो खैर 0 और y के जगह पे 2 ढूंढना, तो यही कहीं होगा x के 0 और y के 2। फिर अब होगा x के जगह पे माइनस 5 और y के जगह पे 0, तो x के जगह पे माइनस 5 और y के जगह पे 0, तो x के जगह पे माइनस 5 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 5 और y के जगह पे 0। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देंगे, लेकिन कंप्लीट से, हाँ कंप्लीट से एकदम नहीं मिला, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस जगह से जाना चाहिए। चलो यार हटाओ इसको, मिलाओ सही से मिलाओ, यहाँ से आना चाहिए था।
यहाँ से। अब ये जो लाइन आप ड्रॉ किए हैं वो किसके मदद से किए हैं, 2x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसके मदद से लाइन हम इसी के हेल्प से ड्रॉ किए। फिर दूसरी बात ये है कि ये देख के समझ में आना चाहिए कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो पहले आपने आपको यहाँ खड़ा करो और ऊपर देखो, यहाँ खड़ा करके ऊपर देखो, आपका नज़र ऊपर जाना चाहिए। तो राइट साइड ये मत देखना कि नीचे वाला पोर्शन, नीचे की तरफ ध्यान मत देना, नीचे है, ये मत सोचना कि ये वाला पोर्शन नीचे है। मतलब ये अपने आप को यहाँ खड़ा करके और उधर की तरफ देखते हैं तो समझ में आता है कि ये पोर्शन राइट साइड है, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। इसके लिए अगर आप आंसर लिखते हैं तो बोलेंगे 2x माइनस 5y प्लस में 10 और ये बड़ा है, तो चलो इधर ही लिख देते हैं बड़ा है या ये 0 से। तो इसमें 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें काम करते हैं ना कि उसको अगले वीडियो में बता देंगे। आज क्लास बहुत छोटा है, इसी से आप काम चलाइए और कल आपको मिल जाएगा अगले एक्सरसाइज। और कल से आप लोगों का छुट्टी है, लेकिन मेरा भी छुट्टी है, और उस छुट्टी में आपके लिए बहुत सारा क्लास हम बना देंगे और एक ही बार में अपलोड कर देंगे। आप धीरे धीरे एक एक करके देखते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, इसी चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।